में पिछले वीडियोस में हमने चंदन के जो अलग अलग कैटेगरी के जो फ्रेग्रेंस है उसके बारे में बात की हुई थी, जिसमें से हमारा चंदन से रिलेटेड अगरबत्ती, धूप, सैंडल के ऑयल्स और प्योर चंदन के जो वुड स्टिक्स, और इसके बाद जो है हम बात किए थे पाउडर्स के बारे में और कुछ बेस एसेंशियल ऑयल के बारे में भी हमने बात की हुई थी। और वहां पे जानने की कोशिश की थी कि चंदन के कितने टाइप के जो है अलग अलग फ्रेग्रेंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो है आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे रोल ऑन जो है चंदन के अतर्स या फिर ऑयल्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगे, तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। फिलहाल जो है आज का हमारा बेस टॉपिक जो है अतर एंड ऑयल्स के ऊपर होगा। सो फिर वुड्स का जो है बेसिक वीडियो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ये वीडियोस जो है देख सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारे पास चंदन, प्योर चंदन के जो है पाउडर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम जो है और किसी वीडियो में फिलहाल जो है बात करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है ये है वर्ल्ड मोस्ट फेमस फ्रेग्रेंस की पहचान में एक अनोखा नाम रखने वाली चंदन अतर्स के बारे में। और जो है इसके फ्रेग्रेंस काफी सारे लोगों को पसंद आता है। वैसे आप जानते भी होंगे कि चंदन के काफी सारे अलग अलग वैरायटीज आती हैं, जिसमें से मैं बोलूं तो बेस अगरबत्ती जलाना भी लोग पसंद करते हैं, इसी के साथ जो डीओज हैं या फिर एसेंशियल ऑयल है मेडिटेशन वगैरह के लिए वो भी यूज की जाती हैं। और खास जो सबसे ज्यादा यूनिक और जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली होती है चंदन ऑयल्स की या फिर अतर्स की, दोनों नाम आप दे सकते हो। कई लोग इसे अतर के फॉर्म में भी बोल देते हैं, कई लोग जो है ऑयल्स भी बोल देते हैं। ऑयल का बोलने का कारण ये होता है कि इसकी जो बेसिक वुड्स होती हैं, जैसे कि कुछ स्टिक्स मैं आपको बताया था, तो इसी का जो है बेस ऑयल जो है निकाला जाता है, जो कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेंगी। हालांकि इनका पैकेजिंग काफी छोटा है, क्योंकि देखा जाए तो ये काफी महंगी होती हैं। इसके प्राइस के बारे में भी आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसका बेस रिव्यू जो है हम करते हैं, और सबसे पहले आप देखिए कि कुछ इस तरीके से 3 ml की बॉटल्स में ये आपको जो है देखने को मिलेंगी। और देखा जाए तो इसे रोल ऑन बॉटल कहा जाता है। कुछ बेसिक आपको स्टिकर्स यहाँ पे जो है लगे दिखेंगे, जिसमें से अतर सैंडल या फिर सैंडला इसमें जो है लिखा हुआ है। सो फिर सबसे पहले जो है हम यहाँ से इसके कैप्स को जो है ओपन करते हैं, और यहाँ से जो है ये जादू का जो फ्रेग्रेंस है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। बॉटल्स में कुछ इस तरीके के आपको वाइट जो है एक कैप मिलेगा, जिसमें से इसी को जो है रोल ऑन कहा जाता है, जिसे डायरेक्ट हम किसी भी तरीके से अपने कपड़े में या फिर स्किन पे यूज कर सकते हैं। हालांकि कैप के खोलते ही इसका जो है फ्रेग्रेंस यहीं से लास्टिंग होना चालू हो गया है। और देखा जाए तो सच में ये जिस तरीके से उन्होंने बताई थी कि ये प्योर है, सच में मुझे लग रहा है कि ये प्योर ही होगा। और जस्ट इसे हम ट्रायल करते हैं। और फ्रेग्रेंस जो है थोड़ा सा वुडी बेस और एक या फिर हम बोले तो जो है मिल्की प्रोडक्ट जो होता है उनके जैसा एक बेसिक टोन जो है यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो हल्का वुडी नोट भी इसमें से आपको, एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो है इसी के साथ हम अपने स्किन पर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं। सो कुछ इस तरीके से ऑयल का फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और देखा जाए तो इसकी थिकनेस मेरे को थोड़ा सा मोटा जो है लग रहा है, थोड़ा सा हम इसे रफ कर लेते हैं। रफ करने के बाद जो है इसका बेसिक जैसे कि मैंने अभी जस्ट स्मेल करने पर आपको बताया था कि ये थोड़ा सा जो है मिल्की जो टोन होता है उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसमें जो है वुडनेस और थोड़ा सा
यूनिक फ्रेग्रेंस जिसे कहा जाता है, मतलब ऑयल और जो ऊंट के बेस में निकालने वाला जो फ्रेग्रेंस होता है वो थोड़ा अलग ही होता है। जैसे कि आपने बखूर से निकली हुई ऊंट जो है ट्राई किया होगा, ऊद ऊद जिसे बोला जाता है, उसी के जैसा बेसिक एक टोन है। हालांकि दोनों का जो प्रोसेस है लगभग लगभग सेम है, और ऊद की जो फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ा यूनिक होती है, और वो भी मतलब एक कैटेगरी में देखा जाए तो उनको उनके भी चाहने वाले काफी सारे हैं, पर चंदन का देखा जाए तो ये अलग ही लेवल में इसका फ्रेग्रेंस जो है देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने और किसी भी तरीके से ना तो मैंने अगरबत्ती में ये फ्रेग्रेंस ट्राई किया है और ना ही किसी भी तरीके से, और मैंने अतर्स और जो कंपनीज के अतर्स जो होते हैं उनका कोई फ्रेग्रेंस मैंने इस तरीके से ट्राई नहीं किया है। और इसी के साथ जो डीओज होते हैं या फाइन फ्रेग्रेंस जो होते हैं इनका भी स्मेल किसी भी तरीके से इसका स्मेल जो है मैच नहीं कर रहा है, जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मैं फ्रेग्रेंस को जानता हूं। सो फिर यही था और यही मैं चाहता था कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है सबसे अलग हो। और सच में ये मैं कहूं तो प्योरिटी इसमें है और क्वालिटी भी देखा जाए तो इसकी लास्टिंग कब तक होती है ये तो खैर हमने फर्स्ट ट्रायल लिया है और इस ट्रायल के बाद देखेंगे कि कब तक ये लास्टिंग कर लेता है। हालांकि आप इसे किसी भी तरीके से आप अपने कपड़ों में या फिर और किसी भी जगह में रफ कर सकते हैं और ये फ्रेग्रेंस जो है आपकी लास्टिंग रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि मुझे 100% ये प्योरिटी जो है लग रही है। सो फिर यही था शुद्ध शब्दों में चंदन के लाभकारी गुण, और इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जस्ट 3 ml की बॉटल्स मुझे पड़ी है 300 रुपीज़। इसके बाद जो कि चार्जेस और लगते हैं वो जो है अलग है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।